खबर राजधानी देहरादून से है, जहां गुलदार की दहशत में रहने पर मजबूर लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। बता दें कि कई क्षेत्रों में दहशत फैलाने वाला गुलदार आखिरकार वन विभाग ने पकड़ लिया है। इस बाघ को देहरादून के किमाड़ी क्षेत्र के पास से वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया है। दो बच्चों की जान लेने और कई लोगों पर जानलेवा हमला करने के बाद वन विभाग की टीम 2 महीनों से इस गुलदार की तलाश में जुटी हुई थी। डीएफओ वैभव सिंह के अनुसार इस गुलदार के शिकार करने वाले दांत कैनायन क्षतिग्रस्त थे, जिसकी वजह से ये जानवरों का शिकार करने में असमर्थ था और इंसानी बस्तियों की ओर आसान शिकार की तलाश में अक्सर आता था। गुलदार के पकड़े जाने के बाद वन विभाग और स्थानीय निवासियों ने राहत की सांस ली। फिलहाल इस गुलदार को वन विभाग के संरक्षण में रखा गया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो बाघ का पशु चिकित्सक अधिकारी द्वारा परीक्षण किया गया है, उससे ये निकल के आया है कि बाघ के जो लेफ्ट साइड के अपर और लोअर कैनाइन है, जिसके द्वारा बाघ शिकार करता है, वो दोनों क्षतिग्रस्त हैं। और इस बाघ को कैमरा ट्रैप में भी हमारे द्वारा फॉलो किया गया था और इस क्षेत्र में ये एक्टिव था। तो अभी के हिसाब से हम ये पूरे कन्विक्शन के साथ कह सकते हैं कि जो जिस जानवर द्वारा ये घटनाओं को अंजाम दिया गया, उसको पकड़